हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और आज हम देखे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 2nd का हमारा फर्दर पार्ट, सोशलिज्म रशिया में किस तरह से आया, समाजवाद किस तरह से आया। सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो थे वो इलीगल हो गए थे रशिया में बिफोर 1914, इलीगल थे। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स जो थे, वर्कर्स की पार्टी जो थी वो फाउंड हुई 1898 में बाय सोशलिस्ट जो रिस्पेक्ट करते थे मार्क्स के आइडियाज को। However, because of government policing, ये operate किया जाता था एक illegal organization के through, या illegal organization का कहकर इसे operate किया जाता था। ये setup था newspaper का, mobilize worker का और organize strikes का। कुछ Russian socialist जो थे वो ये सोचते थे कि Russian peasants जो हैं वो custom है dividing land periodically, जो natural socialist के through बनी है। So peasants जो थे ना कि सिर्फ वर्कर्स थे, वो वुड बी द मेन फोर्स ऑफ रिवोल्यूशन। इन्हें ही हम सबसे ज़्यादा मेन फोर्स बना दें अपने रिवोल्यूशन का तो सबसे अच्छा होगा। और रशिया जो था वो सोशलिस्ट बन गया बहुत ही क्विकली देन अदर कंट्रीज। सोशलिस्ट जो थे वो बहुत ही एक्टिव थे कंट्री साइड में थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। वो फॉर्म कर रहे थे सोशलिस्ट रिवोल्यूशन पार्टी को 1900 में। ये पार्टी जो थी इन्होंने स्ट्रगल किया पीजेंट्स के राइट्स के लिए और डिमांड की लैंड के लिए जो बिलोंग करती थी नोबल्स के लिए कि वो ट्रांसफर की जाए पीजेंट्स को। सोशल डेमोक्रेटिक जो थे डेमोक्रेट्स जो थे उन्होंने डिसएग्री किया सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज को पीजेंट्स के बारे में। लेनिन जो थे वो ये फेल्ट करते थे कि पीजेंट्स जो है वो यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, कुछ जो है उसमें से पुअर हैं और अदर जो है वो रिच हैं। कुछ वर्क करते हैं लेबरर की तरह वाइल अदर्स जो है वो कैपिटलिस्ट की तरह रहते हैं जो एम्प्लॉय करते हैं कुछ वर्कर्स को। मतलब उनका ये मानना था कि पीजेंट्स मतलब जो फार्मर्स थे या पीजेंट लोग थे उसमें सभी के सभी पुअर कैटेगरी में नहीं थे, उनमें से कुछ रिच भी थे। सभी के सभी किसी के अंडर में काम नहीं करते थे तो कुछ उसमें से ऐसे थे कि जिनके अंडर में भी कोई काम करता था। गिवन दिस डिफरेंशिएशन विद इन देम उन्होंने जो है दे कुड नॉट ऑल बाय द पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। और इसीलिए उन्होंने ये डिफ्रेंशिएशन दे के कहा कि सारे पीजेंट्स जो है सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं बन सकते। पार्टी जो थी वो डिवाइड हुई ओवर द स्ट्रेटजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्लादिमीर लेनिन जो थे जिन्होंने बोल्शेविक ग्रुप बनाया था वो ये सोचते थे कि रिप्रेसिव सोसाइटी जैसे कि सैरिस्ट रशिया जो थी रशिया, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन, वो बहुत ही डिसिप्लिन होनी चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए उसने नंबर ऑफ मेंबर्स एंड क्वालिटी ऑफ मेंबर्स को। अदर जो थे मेंशेविक्स जो थे वो थॉट करते थे कि पार्टी जो है वो ओपन होनी चाहिए सभी के लिए जैसे कि जर्मनी में थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टर्बुलेंट टाइम 1905 रिवोल्यूशन। रशिया जो था वो ऑटोक्रेसी में था, एक ऑटोक्रेसी की तरह था। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन बिगिनिंग जो थी 20th सेंचुरी की, सार जो था वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा था, सार जो राजा थे सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। लिबरल्स जो थे रशिया में वो कंपेन कर रहे थे या उन्होंने मुहिम चलाई थी कि वो एंड कर दे स्टेट ऑफ अफेयर्स को। टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवोल्यूशनरीज, उन सबको मिलाकर सोशल डेमोक्रेट्स को सोशल रिवोल्यूशनरीज को मिलाकर उन्होंने वर्क किया पीजेंट्स के साथ में और वर्कर्स के साथ में ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905, ताकि वो डिमांड कर सके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। वो जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट पोलैंड में फ्रॉम इंस्टेंस, और मुस्लिम डोमिनेट कर रहे थे एरियाज ऑफ जदीदिस्त who wanted modernized Islam to lead their societies। वो चाहते थे कि हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे एरियाज को जदीदिस्ट के थ्रू, और चाहते थे कि मॉडर्नाइज होता है उनका इस्लाम उनकी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए। ईयर 1904 में पर्टिकुलरली बैड वन फॉर द रशियन वर्कर्स, प्राइजेस जो थे इसेंशियल गुड्स के वो बहुत ही बढ़ गए और क्विकली रियल वेजेस जो थे डिक्लाइन हो गए 20% से। मेंबरशिप जो थी वर्कर्स एसोसिएशन की वो रोज होने लगी या बढ़ने लगी ड्रामेटिकली। जब 4 मेंबर्स जो थे असेंबली के ऑफ रशियन वर्कर्स जिन्होंने फॉर्म किया 1904 में, जो डिसमिस कर दिए गए एट वो डिसमिस हो गए एट प्लेटिन आयन वर्क्स, जहाँ पर कॉल किया गया इंडस्ट्रियल एक्शन को। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर कह सकते हैं कि 110,000 वर्कर्स जो थे इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। वो सभी के सभी स्ट्राइक पर बैठ गए जो डिमांड कर रहे थे कि रिडक्शन होना चाहिए वर्किंग डे टू डे मतलब डे टू डे आवर्स में और इंक्रीज करना चाहिए वेजेस को ताकि हमारी वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो सके। जब प्रोसेशन जो था वर्कर्स का फादर गैपन की तरफ रीच हुआ द विंटर पैलेस, इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कोसैक्स। पुलिस और कोसैक लोगों ने उस पर अटैक किया, उनके ग्रुप्स ने अटैक किया। ओवर 100 वर्कर्स जो थे उसमें मारे गए और अबाउट 300 जो थे उन्हें इंजर कर दिया गया। इंसिडेंस जो था उसे ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता था।
स्टार्टेड की गई उससे एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो मानी जाती थी या नाम से जानी जाती थी 1905 रिवॉल्यूशन के नाम से। स्ट्राइक्स जो थी वो टुक प्लेस हुई ऑल ओवर द कंट्री और यूनिवर्सिटीज में, जिन्होंने क्लोज डाउन कर दिया स्टूडेंट बॉडीज को, स्टेज वॉकआउट होने लगे, कंप्लेन करने लगे अबाउट लैक ऑफ सिविल लाइब्रेरीज लिबर्टीज। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अदर मिडिल क्लास वर्कर्स जो थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया यूनियन ऑफ यूनियन और डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए। ड्यूरिंग 1905 रिवोल्यूशन जो था उसमें सार ने अलाउ किया क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा, और फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग रिवोल्यूशन उन्होंने एग्जिस्ट किया लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस को और फैक्ट्री कमिटीज को मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। आफ्टर 1905 बहुत सारी कम्युनिटीज और यूनियंस जो थे वो अनऑफिशियली वर्क करने लगे, सिंस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था उसे इलीगल। सर्विस रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो प्लेस किए गए पॉलिटिकल एक्टिविटी में। सार ने डिसमिस कर दिया फर्स्ट ड्यूमा को विद इन 75 डेज और री इलेक्ट किया सेकेंड ड्यूमा को विद इन 3 मंथ्स। वो नहीं चाहते थे कोई भी क्वेश्चंस ऑफ दिस अथॉरिटी और एनी रिडक्शंस ऑफ हिज पावर इन हिज पावर। उन्होंने चेंज किया वोटिंग लॉस को और पैक किया थर्ड ड्यूमा को विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज जो थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।